बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका, मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने रियासत को जिस तरीके से अपनी रिट मनवाने की बात करते हुए और उसके बाद फिर अपनी रिट को साइड पे करते हुए मुआहदा करते हुए देखा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें एक सवाल और एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ ले जाती हैं। और वह अहम नुक्ता ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से मोटरवे पे एक माँ और एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसकी वजह से पूरी के पूरे निज़ाम में जो दुनियादारी है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ क्या हुकूमत सिर्फ मुआहदा करके रफा दफा कर देगी मामलात को? इससे पहले भी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट टाइम जब धरना किया तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो धरना 21 दिन चला और इस बार का धरना तकरीबन 3 दिन चला। कहा यह जा रहा था नून हुकूमत को और नून लीग के टाइम पर कि किसी भी तरीके से इन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, लेकिन फिर जो सब हुआ वो हमारे सामने है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब भी ऐसा ही हुआ, हालांकि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पीच के बाद तमाम पाकिस्तानियों को एक थोड़ा सा सुकून मिला, एक थोड़ा सा आसरा हुआ कि अब की बार वो नहीं होगा जो पिछले साल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे के ऊपर वजीर कानून पंजाब और वजीर मजहबी अमूर दोनों के दस्तखत होते हैं और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। कल रात मैं इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर ट्रैवल कर रही थी तो तमाम चीज़ें क्लियर और तमाम रास्ते क्लियर थे। उससे इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि ये मुआहदे करने के लिए या मुआहदे टेम्पररी बेसिस पर रिलीफ तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले साल फिर एक बार तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह के तमाम मजहबी प्रेशर ग्रुप्स मिलकर इस तरह की सिचुएशन दोबारा नहीं लेकर आएंगे? कब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम इस दबाव तले जिएगी कि किसी भी वक्त उनका रास्ता रोका जा सकता है, किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट पर किसी भी वजह से वो कहीं स्ट्रैंड हो सकते हैं, वो कहीं फंस सकते हैं, अपने घर जाने तक का रास्ता उनके लिए मुहाल हो सकता है? यह हम सवाल है जो कि आज हम अपने सामने अपने जो पैनल है उसके सामने रखेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप उनको अपनी स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके साथ मौजूद हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इनको भी अपनी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, इनकी राइटिंग्स भी पढ़ते रहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जेंटलमैन फॉर बीइंग विद मी ऑन द शो। फारूक साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, वो लास्ट टाइम आपके जो साबिक शोबा है यानी फौज के ऊपर इल्जाम लगा कि आपने हजार हजार रुपए दिए, अगर हजार हजार रुपए ना दिए जाते तो ये आज इस बार फिर ना आ जाते, ये एक एक सवाल बन गया या एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो माजी की बातें हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। आप बताएं कि किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए कि एक बार फिर टीएलपी या टीएलवाईआर आती है और लोगों का रास्ता बंद कर देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, लास्ट टाइम जो फैज़ाबाद का धरना था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त की जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, जब वो देख रहे थे कि धरना तकरीबन दो हफ्ते से ज़्यादा हो गया और थोड़ा एलिमेंट ऑफ वायलेंस भी आ गया था बीच में, तो उन्होंने दी गवर्नमेंट देन रिक्वेस्टेड दी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कि जनाब आप इस मामले को रिजॉल्व करें ऑन आर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पे उन्होंने फिर इंटरवीन किया और मामले को कोशिश किया कि मजीद वायलेंस ना हो और उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया। और आपको याद है कि वो जो आप जो हज़ार रुपये की आप बात करें या लिफाफे की बात कर रहे हैं, उस पर भी बड़ा क्लियरली चीज़ सामने आ गई थी कि वो उनको भी कहा गया था वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जी ये जो कुछ गरीब लोग हैं, जारी बात है जो आप वापस जाना चाहते हैं तो उनको आप ये उसमें जो गलिबा हज़ार रुपये था या जो भी था कि उनको किराए के पैसे हों, दे कैन गो होम ऑनरेबली और ये डिस्पर्स हो जाए पीसफुली ताकि मामला ख़त्म हो जाए। देखें, वो जो धरना था वो एक लिहाज से मैं समझता हूँ इसलिए जस्टिफाइड था कि उसमें उस वक्त एक बड़े डूबियस तरीके से पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने रातों रात जो बात में पकड़ी गई, उन्होंने ख़त्म नबूवत रिलेटेड उन्होंने जो क्लॉज थे उनमें को अमेंडमेंट की थी आइन के अंदर, जो बाद में फिर उनको रिवर्स करना पड़ा। तो लिहाजा ये लोग टीएलपी वाले लोग जो हैं ये आए, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया जो इनिशियली पीसफुल था, एंड में थोड़ा बहुत वायलेंस एलिमेंट हुआ जी, राइट, एग्री। बट द पॉइंट इज इस मरतबा मेरा ख्याल इनके पास जस्टिफिकेशन उस तरह नहीं थी, क्योंकि ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला उससे आप
डिफर कर सकते हैं, फैसले को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट ऑफ लार्ज स्केल जो वायलेंस देखा गया 72 घंटे पूरे पाकिस्तान में तमाम बड़े शहरों में शहरों पे वगैरह वगैरह देखना, वो दैट वाज टोटली नॉट जस्टिफाइड। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मर्त ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट उनका हक है, तो वो तो अगर वो करते कहीं कोने में बैठ के तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होना था। नाउ द पॉइंट इज, पहली चीज़ याद रखें, मेरी नज़र में द स्टेट इज़ ऑल पावरफुल, रियासत से पावरफुल कोई नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा है ये 3 दिनों में कि एक ग्रुप ने अपने को यरगमाल बनाया रियासत को। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये पीटीआई गवर्नमेंट के लिए तो चले आप कह सकते हैं उनके लिए अच्छी खबर थी कि चले मामला खत्म हो गया 72 घंटे में एंड इट इज नाउ बिहाइंड देम और वो आगे चलेंगे। नहीं, अब मैं जो बात करना चाह, लेकिन रियासत के लिए रियासत के मुस्तकबिल की रिट ऑफ द स्टेट के लिए ये एग्रीमेंट मेरी नज़र में इट वॉज टू सॉफ्ट, इट वॉज अपोलोजेटिक, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक किस्म का बड़ा सरेंडर का वर्ड जो है वो भी एक बड़ा आ जाता है एक लिहाज से। उसकी वजह यह है, देखें हमारा आइन बड़ा क्लियर है, आइन बहुत क्लियर है कि आप मसल्ला फौज या अदलिया को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरा ख्याल है मैनी मैनी टाइम्स मोर जाके टीएलपी के टॉप लीडरशिप ने ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे और मोहतरम जजेस और उसके अलावा आर्मी चीफ और फौज के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश की। मैं समझता हूँ जो मेरी अब ये असेसमेंट है कि ठीक है एग्रीमेंट हो गया, वो लोग घर चले गए, आप देखेंगे द लॉ विल टेक इट्स नेचुरल कोर्स। और डज नॉट फारूक साहब, नो फिर तो ये बड़ी बदमनी वाला हिसाब है। देखें मेरी सुने, मेरी बात सुने, आज से चंद साल पहले लंदन में जब आर्सन लूटिंग घराव जलाव हुआ था 3-4 दिन चलता रहा मुसलसल, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे जितने वो लोग थे मास्टर्स और ये जिन लोग जो घराव जलाव कर रहे थे उन सबको आइडेंटिफाई करके विद इन अबाउट 3-4 डेज वहाँ के जजेस बैठे, उन्होंने 4-5 दिन में समरी ट्रायल किए और उनको जेल सेंटेंस उनको फर्क कर दिया, उसके बाद वो चीज़ कभी रिपीट नहीं हुई। मैं समझता हूँ वो देखे ना तरीके लिबैक के टॉप लीडरशिप ने ये भी बयान दिया कि जिन लोगों ने आग लगाई है, घेराव जलाव किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी और लोगों की गाड़ियां जो डिस्ट्रॉय की हैं, ये जनाब ये हमारे लोग नहीं थे। ये कैसे मान ले कि उनके लोग नहीं थे, वहां से गाड़ियां आ रही हैं, वहां से इनसाइट किया जा रहा है वायलेंस के लिए, मैं कैसे मान लूं, ये कोई आम आवाम कैसे मान ले कि ये उनकी तरफ से नहीं था। हमने तो ये भी सुना है कि ऐसी सोशल मीडिया पे ऑथेंटिक खबरें भी आई हैं कि इनमें से काफी लोग थे जो हायर थे 1000 रुपए रोज के हिसाब से कि जी उन्होंने ये वायलेंस करना है। माय पॉइंट इज दिस, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रियासत अब एक्शन में आएगी और ये तमाम लोग जो के इंक्लूडिंग द टॉप लोग जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल जजेस और फौज के खिलाफ जो वो बयान दिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ, दे विल बी प्रोसीडेड एज पर लॉ, एफआईआर होगी, सेडिशन वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो है वो ये आपकी बात है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए ना फारूक साहब, फिर ट्रीजन तो इन्होंने की। अच्छा मैं सैफ रहमान साहब की तरफ भी जान चाह रही हूं, लास्ट जुमला, अगर ये नहीं होता तो फिर मैं ये समझूंगा कि स्टेट जो है उसने सरेंडर किया है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर, रियासत के फ्यूचर के लिए ये बहुत खतरनाक सूरत। ठीक है सैफ रहमान साहब, अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो जो पूरा दिन गुजरा उसके बाद जो स्पीच की, मेरे तो हौसला, मुझे तो मेरा तो हौसला बड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर खान दी ओनली प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री जिसने बात की है ऐसे लोगों के सामने खड़े होने की और जिसने कहा है कि इस हद तक मत जाएं कि आपको आप रियासत से टकराएं, फिर रियासत के जो पावर है वो आपको देखनी पड़ेगी। अब खान साहब बैठे हैं चाइना के अंदर, मेरी मालूमात और मेरी खबर और मेरे जराए के मुताबिक कहा जा रहा है कि खान साहब को जब ये मुआहदे की बात पता चली तो वो वहां चीन के अंदर खुश नहीं है, और अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेट का हेड खुश नहीं है इस बात से तो ये किस अथॉरिटी के ऊपर तमाम मामलात किए गए और किस अथॉरिटी से क्लॉज ये डाली गई उस मुआहदे के अंदर कि तमाम वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा कर दिया जाएगा? क्यों रिहा कर दिया जाएगा? क्या क्रिमिनल्स प्रेशर ग्रुप बन जाए तो उनको रिहा कर दिया जाएगा? बिल्कुल पॉइंट आई, बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है, आई थिंक इट्स द कंसर्न ऑफ द नेशन, पूरी कौम जो है इससे कंसर्न है कि ये हो क्या रहा है, ये सीक्रेट डील्स हो जाती हैं, प्रॉक्सीज लग जाती हैं, कहाँ से लोगों को जो उनके स्ट्रिंग्स कहाँ से पुल किए जाते हैं, वो कैसे अचानक अमेसमेंट कर लेते हैं, आगे इकट्ठे हो जाते हैं मोबिलाइज होके और किसी भी एक इशू पे, जस्ट नो प्रॉब्लम, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मुझे जिस तरह एक शख्स ने पूछा कि जी ये जो इस तरह के मामला हो जाते हैं तो इससे बचाव का क्या तरीका है, आवाम को कैसे बचाया जाए और क्या हमारे यहाँ कोई तदबीर नहीं है, कोई पेशबंदी नहीं है, क्योंकि स्टेट का जो एक बाकायदा एक प्रोसेस है, स्टेट एक स्टेट क्राफ्ट जो है,
ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्टेट क्राफ्ट में जो पेश बीनी होती है आने वाले वक्त पर नज़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने चीज़ों को फोरस्टॉल करना है, वक्त से पहले उनको सेंस करना है और उनका तदारक करना है। आपने चीज़ों को बिल्डअप ही नहीं होने देना, यानी अगर आप चीज़ों को बिल्डअप होने दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब स्टेट क्राफ्ट का तो ये फेलियर है। आप इस चीज़ में कोई, यानी कि जिस तरह किसी, मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई हुलीगन्स जो हैं हम उनके रहम व करम पे हैं, वो जब चाहें आगे हमारे जहाँ पे आगे दर आएँ और आगे पेनिट्रेट करके हमें आगे वो यरगमाल बना लें, तो ये रियासत को यरगमाल बनाने के मुतरद कहा जाता है कि वायलेंस जो है लॉफुल वायलेंस, यानी वो इज़ द मोनोपोली ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के पास ये इख्तियार है, ना कि सिर्फ एक लबैक के जो एक सरबराह उनके पास है या सैफ रहमान के पास या ब्रिगेडियर फारूक साहब जो निकल पड़ते हैं अपना एजेंडा लेके। तो हमें भी, हमें याद पड़ता है कि हमने भी अलामा इकबाल से, मैं बड़ा मुतासर था उनका जहाद का जो फलसफा था और बहुत सी चीज़ें हम भी सोचते थे अपनी नौजवानी में, अस्क्रियत का भी था, लेकिन अस्क्रियत भी एक फ्रेमवर्क के अंदर होती है। ये तो नहीं यू जस्ट कांट वेज जहाद ऑन ऑफ योर ओन कि आप निकले सड़क पे या मैं दफ्तर से निकला और मैं कहता हूँ यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, इसको रैनसैक कर दो, ये दफ्तर को यरगमाल बना लो, यहाँ पे आग लगा दो, तो आप रियासत कहाँ पे है फिर? रियासत तो एक माँ बाप है, रियासत तो एक तहफ़ देने का नाम है, रियासत उसे एक कोई एंटिटी तो नहीं है, रियासत तो एक उस चीज़ का नाम है कि रियासत ने आपको बकायदा एक तहफ़ देना है समाजी नाइंसाफियों के अगेंस्ट, आपके यहाँ ये जो हुलीगनिज्म है इसके अगेंस्ट। तो ये आपके यहाँ मुझे लगता है कि रियासत के जो रमूज व असरार हैं जो स्टेट क्राफ्ट है बताते खुद, उससे आ रही हैं हमारे बहुत से, मैं समझता हूँ लोग जो ड्राइविंग सीट में हैं वो या समझ नहीं पा रहे या फिर वो सरेंडर कर चुके हैं। हाँ उसमें को हौसला बढ़ा, उसमें हौसला मिला था, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अभी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उस आम शहरी के लिए बात कर रही हूँ जिसके जराए माश को जला दिया गया, जिसके जराए माश को तोड़ दिया गया। मैं उस माँ के लिए और उस बच्चे के लिए बात कर रही हूँ जिसकी मोटरवे के ऊपर डेथ हुई, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ जिसके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई मोटरवे के जो है मनाजर हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, ये तमाम चीज़ें क्यों, वाई और कहाँ जाकर रुकेंगी ये तमाम चीज़ें? मैं हमारे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ और हमारे जजेस के खिलाफ इसलिए बात नहीं सुन सकती क्योंकि मैं एक कानून फॉलो करने वाली शहरी हूँ और यही स्टेट का काम है कि तमाम शहरियों को कानून फॉलो करने वाला शहरी बनाए। इस बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हम अपने कल्चर को कैसे तब्दील करें, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजिम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो एक तासुर गया कि स्टेट चंद लोगों के सामने, या जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक छोटा तबका जो प्रेशर ग्रुप बना हुआ है उसके सामने किस तरीके से मुआहदे में चला गया और उसके बाद सवालात जो एक आम शहरी के जहन में उठना स्टार्ट हुए, अब इसका कोई हल भी तो निकालना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चंद लोग आएँ, सड़कें बंद करें और स्टेट के साथ मुआहदा कर लें, अपनी मनपसंद चीज़ें मनवा लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या किया जा सकता है कि हम जो अक्सर औकात देखते हैं कोई भी प्रेशर ग्रुप आता है वो मेन शाहराएं बंद कर दें तो उसके बाद हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं होता कि वो अग्रीमेंट करे, कैसे इसको बेहतर बनाए? देखिए नीका, ये बात सही है कि फैज़ाबाद धरने के मुकाबले में ये जो 72 घंटे जो वायलेंस जो हमने पूरे पाकिस्तान में देखा है, एक्चुअली पाकिस्तान के अवाम हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक और देर इनफैक्ट देर वेरी एंग्री आल्सो, क्योंकि जिस तरह आम लोगों की गाड़ियां और उनकी प्रॉपर्टीज जिस तरह जलाई गई हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी भी जो अरबों रुपये की डिस्ट्रॉय की गई है। देखिए जहाँ तक पीटीआई गवर्नमेंट, पहले पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जहाँ तक पीटीआई गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो अभी उनके पैर जम नहीं रहे, वो उसी तरह अभी वो सेटल नहीं हो रहे। उनकी प्रायोरिटी ये है कि कैसे इस मुल्क को इस माशी बुरान से निकाला जाए और ऊपर से ये सडनली ये क्राइसिस आ जाता है। और दूसरी बात समझने की जरूरत ये इम्पोर्टेंट ये है कि पंजाब में और फेडरल लेवल के ऊपर पीटीआई के पुलिस के साथ अभी वो मामलात जो है अभी तक वो सेटल डाउन नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात सही मानों में सेटल डाउन नहीं हो रहे। देखें ना आईजी इस्लामाबाद अपना लेफ्टिनेंट जान साहब जो है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहाल कर दिया,
कि आप कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने खुद कहा जी मैं नहीं रहना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस पोजीशन, और फिर वो अब जारी बात है देयर इज अ न्यू आईजी ओवर देयर। तो इस्लामाबाद में द आईजी इज नॉट देयर, पंजाब की पुलिस जो है यू नॉट श्योर अबाउट देयर लॉयल्टीज, वहाँ पर आपको पता है मॉडल टाउन के साथ केस चल रहा है, 125 पुलिसमैन ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ वहाँ पर वो ट्रायल हो रहा है ATC में। तो पंजाब की पुलिस इज ऑल्सो इन अ वेरी डिफरेंट, इन अ वेरी स्ट्रेंज स्टेट ऑफ माइंड। तो आपने नोट किया होगा कि पंजाब की पुलिस जो है वो भी इतनी कोई फोर्थ कमिंग नहीं थी इन द लास्ट 3 डेज कि इन मामला को दे, मैं तो बल्कि कहूँगा दे वर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी स्पेक्टेटर। फॉर एग्जांपल डिफेंस में कि बाहर जो एरिया लगता है वहाँ पे हम देख रहे थे कि वो प्रोटेस्टर आए हैं, पुलिस वाले थे, लेकिन दे वर जस्ट वॉचिंग लाइक स्पेक्टेटर, तो वो भी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर इनको को रोका जाए। देखें जब ऐसे हालात होते हैं तो क्या, एक वाकया आपने वीडियो देखी होंगी कि एक शख्स जो एक सिविलियन वो उसने अपनी बंदूक निकाली, उसने कहा मेरा रास्ता खोलो, तो ही उसने जब बंदूक निकाली एंड ही फायर्ड इन द एयर, तो उस वक्त प्रोटेस्टर्स कोई घबराए कि भाई दिस मैन मींस बिजनेस, उन्होंने एकदम उसका रास्ता खोल दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहली बार इसका हल एक है, रूल ऑफ लॉ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन नाउ द स्टेट, स्टेट के इदारे दे मस्ट चेक, बिकॉज एक बड़ी सीवियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पे। देखें कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता कि आप अदलिया के मोहतरम जजेस या मुसल्ला फौज की लीडरशिप या मुसल्ला फौज देमसेल्व उनको आप टारगेट करें और रिबेलियन पे लोगों को इंसाइट करें। तो मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगा, मैं नहीं समझता हूँ, देखें इस ये जो मुआहदा है इसमें एक आप फ़र्क देखें पिछले फैजाबाद के, फैजाबाद का मुआहदा जो था इट वॉज काउंटरसाइंड बाई अ सर्विंग जनरल ऑफिसर, जारी बात उस इदारे को जिनको उस वक्त टास्क किया गया था कि आप मामला को कंट्रोल करें, तो ही वॉज लाइक ए गारंटियर। इस मरतबा आप देखें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उस हवाले से एग्रीमेंट में नहीं आई, तो बड़ा सेंसिबल स्टेप रहा ना फारूक साहब, कंट्रोल होने की जरूरत उसकी। और आप अगर DGISPR की स्टेटमेंट देखें तो उससे आपको इशारा मिलता है कि दे आर वेरी अनॉयड के ये इन्होंने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है। मेरा ख्याल है दे विल बी फुली जस्टिफाइड इफ दे टेक एक्शन, द स्टेट टेक एक्शन एज पर द लॉ। तो ये आपको करना, ये आप नहीं करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान के अवाम का जो स्टेट में जो एतमाद है, स्टेट के दारों में जो एतमाद है, वो फिर बड़ी बुरी तरह डैमेज होगा, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा सैफ रहमान साहब, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान कुर्बान, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई पाकिस्तानी कोई मुसलमान ये कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, ये तो हमारे खून में रची बची बात है। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट में और वही मुसलमान जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कहा गया कि हर मुसलमान के हर हड्डी को सदका उसका चैरिटी है, और किसी के रास्ते से कोई रुकावट हटा देना भी सदका है। दूसरी जगह ये कुरान पाक के अंदर कहा गया कि जी और दुनिया में और पूरी अर्थ के ऊपर, दुनिया के ऊपर फसाद ना फैलाओ। और फिर यहां भी एक और जगह भी मेंशन किया गया कि और वो कहते हैं कि हम फसाद नहीं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, और असल में वही फसादी हैं। ये हमें कुरान पाक से, अहदीस से, ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस नजर आते हैं, और हम लोगों ने जो होता हुआ देखा वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद तरीके लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है कि हमारे लोग नहीं थे, तो फिर ये लोग कौन थे? और अगर ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे थे, इस तरह की हरकत कर रहे थे, तो उस टाइम पर हमारे ये जो तहरीके लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी जमातों के जो हजरात थे उनकी तरफ से डिसोन क्यों नहीं किया गया उस टाइम पर, जब ये ऑलरेडी इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहे थे? तो कैसे अखज किया जा सकता है कि कौन किसका बंदा है, कौन किसका बंदा नहीं है, ऐसे टाइम पर जब इंडिया भी कह रहा है कि हम इनके ही लोगों को इनके ही खिलाफ लड़वाएंगे और इनका खून बहाएंगे? हमारे यहाँ जो इन फाइटिंग है वो तो आपके अंदर ही एक इंतजार है। देखिए मैं तो किसी भी शख्स को जो वायलेंट है उसको कहता हूँ कि ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला नहीं है। मैं तो बाद लोगों को कहता हूँ कि यार तुम अगर सच्चे आशिक रसूल हो तो तुम्हारा तो पिता ही नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वो एंगर, वो जो वायलेंस, वो जो तशद्दुद का जज्बा है, क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वो तो मर्सी फॉर द मैनकाइंड है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। उनका जो सबसे बड़ा खासा है उनकी शख्सियत का दुनिया में, यही तो वो मिसकंसेप्शन ख़त्म करने आए और याम जाहलिया के अंदर आए, बच्चियों को जिस तरह हलाक करके उनको दफना दिया जाता था, और जो मुआशरे के अंदर एक जबर था, तशद्दुद का एलिमेंट था, इस्तबदाद का एलिमेंट था, उसी को तो चैलेंज किया और मोहब्बत से हमारा दीन फैला। दुनिया में जो 1 अरब से ज़ायद आबादी है वो तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
नूर जो है उससे मुनव्वर है, तो आपके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो मैं चैम्पियन ऑफ फेथ बन जाता हूँ तो मैं किस तरह के चैम्पियन ऑफ फेथ हूँ कि जो मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल पैगाम अबदी है उसे मैं बिल्कुल आ रही हूँ। मेरे अंदर तो वो जो नूर है उनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका अगर एक भी शब्द भी हो तो मैं तो वायलेंस कर नहीं सकता, किसी का हक नहीं मार सकता, किसी का राइट ऑफ वे नहीं मैं कर सकता, मैं 200 अरब का मुल्क को एक दो मिनटों में नुकसान नहीं कर सकता, किसी का रोजगार नहीं छीन सकता। बच्चे जिसके केले चुराए गए, अब वो माँ और बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि रास्ते ब्लॉक थे, राहों में रुकावटें थी, टायर जलाए हुए थे, अब वो लोग जो कि एम्बुलेंस के अंदर, पता नहीं अभी तो काउंट भी नहीं है हमारे पास कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी खबरें नहीं आई अभी, जो तमाम लॉस हुआ है वो लोग वापस नहीं आ सकते, अब इसका क्या किया जाएगा? एक तो लॉस हो गया ना जी, ये तो लॉस है जो रिपोर्टेड है, लॉस कुड हैव बीन मच हायर, इसका स्केल बहुत बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि जब आपके अंदर एक कदगन ही नहीं है, ना अखलाकी कदगन है, ना कानूनी कदगन है, ना रियासती कदगन है, तो जब फिर तो आपको यू आर एट लिबर्टी, आप जहां चाहें जाके अपना वार करें, आपके पास एक कॉज है या नहीं है, आपके पास बहाना चाहिए। ये तो ऐसे है कि जब आप किसी इंतजार में रहते हैं कि जरा सी तीली लगे और हम आ जाएं, ये तो ऐसे ही है जैसे मैंने एक दफ़ा एक चीफ मिनिस्टर जो सर्विंग थे, मैंने उन्हें पूछा कि जी आप इंटरनल सिक्योरिटी पर हमें बुला के मीडिया सीनियर से बातें करते हैं तो क्या आपके नोटिस में आया कि मुआशरे के अंदर कितनी रेडिकलाइजेशन है, कितनी वेपनाइजेशन है, यानी इस पर क्या रियासत ने काम किया? रियासत का काम ये नहीं होता कि एक सिचुएशन आ गई तो आप उस पर डील करना शुरू, ये नी जर्क रिस्पॉन्सिस जो है से नहीं चलती रियासत, ये राउंड द ईयर आपने मनसूबाबंदी करनी है। नेशनल एक्शन प्लान देखिए कहाँ का, वो उसमें हेट स्पीच के खिलाफ कहा गया है सब कुछ और सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बकायदा मुझे कह रहे थे कि हम एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और काफ़ी वो गरीबों का इलाका था, हम गाड़ी में गए तो कहते हैं मौलवी साहब ने अचानक फतवा दे दिया कि ये जो लोग गाड़ियों में आते हैं ये काफर होते हैं, कहते हैं हम भागे वहां से, यानी कि ये चीजों को आपने एक निकम में पॉइंट लेना चाह रहा था, अभी बात हुई थी कि ब्यूरोक्रेसी इतनी लॉयल कभी पर्सनल लॉयल्टी किसी के साथ नहीं रखती, ना मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ना सिविल, वो दे आर ऑन ओथ टू सर्व द स्टेट, तो इसलिए कि हमें ये चीज़ में से निकाल देना चाहिए कि जी खान साहब जो थे वो अभी आगे ब्यूरोक्रेसी को सीधा पदरा नहीं कर सके। दुनिया में अमेरिका का स्पॉइल सिस्टम देख लें, बरतानिया का सिस्टम देख लें, रिपब्लिकन जाते हैं डेमोक्रेट्स अगले दिन काम शुरू कर देते हैं, ये कोई नहीं होता कि जी अभी मुझे होश नहीं आई, नहीं कुछ ना कुछ तो फिर हम दावे दावे तो हम कर रहे हैं कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, और लेकिन आगे फिर आपने 22 साल में सिर्फ धरने ही दिए हैं, आपने कुछ चीजों को स्टडी तो किया होगा, कोई ना कोई मॉडल बनाया होगा। फारूक साहब, अब यहाँ मुझे नेशनल एक्शन प्लान बार बार याद आता है, मुझे पैगामे पाकिस्तान का वो फतवा याद आता है जिसको 5,000 उलमा ने यहाँ साइन किया हुआ है, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जो हुई या कहीं भी हुई वो इस्लाम से बिल्कुल बाहर है। मुझे पैगामे पाकिस्तान का वो फतवा याद आता है जिसको इवन इमाम काबा ने भी जो है वो इंडोर्स किया हुआ है। ये तमाम मेहनतें रंग लेकर आई, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से छुटकारा मिला, हम एक बार फिर अमन की फिजा में और अच्छी फिजा के अंदर एक बार फिर सांस लेने लगे, लेकिन ये हमारे अंदर जो इंतशार है फारूक साहब, मुझे वो वीडियो याद आ रही है जो अभी सोशल मीडिया पर भी चल रही है, जहां पहले तो अजीत डोवाल ने ये बात की थी इंडिया के, और अब इंडिया के एक और ऑफिशियल ने ये बात की है कि हम पाकिस्तान के आपस में लोगों को लड़वाएंगे और उन्हीं के लोगों को इस्तेमाल करते हुए हम खूनरेजी करवाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें उसका शाखसाना हो सकती हैं? अनिका, आई हैव नो डाउट्स के जिस तरह ये PTM जो सो कॉल्ड पश्तून मूवमेंट है वहाँ पे KP में या फाटक एरियाज़ में ये लोग हो जाएं, बल्कि मुझे अब तो थोड़ा शक होने लग गया है कि हम सोशल मीडिया देख रहे थे कि जैसे यहाँ पे वायलेंस चल रहा था पिछले 72 घंटे में, तो सोशल मीडिया पे बड़े अजीब अजीब और यू कुड नॉट इवन नो, मैं आई एम श्योर अभी FIA और हमारे बाकी इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ISI वगैरह, कि ये सोशल मीडिया पर कोई कौन सी ऐसी साइट्स थी जहाँ से बड़ा सख्त पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान रियासत के इदारे अदलिया और सिक्योरिटी एजेंसीज उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन जो है जहरीला कैंपेन जो है वो चल पड़ा था। अब आई डोंट नो व्हाट इज द लिंक बिटवीन TLP एंड दोज वो जो, या ये है कि वो बाहर के लोग हैं वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मौका मिला है तो इसको आग लगाई जाए, ज़्यादा पाकिस्तान में इन लोगों को भड़काया जाए, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ जो है उनको खड़ा किया जाए, NRK हो,
सेक्टेरियन हो वगैरह, कुछ कोई देखें ना, बाहर के लोगों की कोशिश में ये होती है, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो, या वेस्टर्न साइड पे सर्टेन एजेंसी के पाकिस्तान में फॉर देयर ओन रीज़न, सी पैक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, रीजनल सिक्योरिटी होगी वगैरह, कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए. मेरा ख्याल है दिस वॉज also a good opportunity for them to get the state destabilized knowingly or unknowingly. mere khayal mein TLP jo hai wo shayad unke us agenda ko mein fit kar rahi thi. ek to ye baat. agreement ke bare mein ek aur main baat karna chahta hu. ye dekhe na, ye to is government ki kamzori hai ki jo jin logon ne negotiate kiya hai, bhai aap wahan pe shik kya dal rahe hain ki ji jin jin logon ke agar humne kuch kaha hai unki dil azadi hui hai to hum usko वापस लेते हैं. भाई यहाँ होना ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान के अवाम, हम रियासत पाकिस्तान से को के अपोलोजाइज करते हैं, हम अदलिया, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जजेस और मुसल्ला फाज से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमने आईने पाकिस्तान को की वायलेशन करके उनके खिलाफ ये गलत बातें जो हमने की हैं, और हम तमाम अल्फाज जो है वापस लेते हैं. कम अज़ कम ये होना चाहिए था. और मेरा ख्याल है यहाँ ये जो पॉलिटिकल नेगोशिएटर्स थे यहाँ पे, दे डिड अ वेरी वेरी शॉडी एंड अ वेरी वेरी बैड जॉब. ये बड़ा वीक कमज़ोर एग्रीमेंट था. मेरा ख्याल है जो फैज़ाबाद वाला एग्रीमेंट था वो ज़्यादा पुख्ता एग्रीमेंट था, वो ज्यादा, मैं समझता हूँ ज्यादा बैलेंस्ड था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. और देखें दूसरी, मैं अभी मैं ब्रेक की तरफ जाने सारी फारूक साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसके बाद इसी बात को कंटिन्यू करते हैं. एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से और ये जो पिछले कुछ दिन गुजरे इसके अंदर जो हमने इसका आउटकम देखा, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है क्योंकि हम ऐसा इमेज एक तो बाहर भी नहीं देना चाहते, और प्लस ये मेरा इस्लाम जिसका मतलब ही सलामती है वो नहीं सिखाता. अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें जो हुई इसकी वजह से जितनी जाने गई, जितना माली नुकसान गया, उसका कुछ पता नहीं है कि कौन जो है वो उसको पूरा करेगा. एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. देखिए मैं दूसरा, मैं ये आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि नेशनल एक्शन प्लान तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के एजेंडे से जो है ना वो भी निकल चुका है, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी से, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने भी कभी एक दो रेफरेंसेस आए हैं तो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ. अब मैं देख रहा हूँ ना पोलिटिकल पार्टी बातें कर रही हैं, ना पार्लियामेंट में उसके ऊपर कोई बात हो रही है, ना हुकूमत को उसके ऊपर बात कर रही है. तो लिहाजा नेशनल एक्शन प्लान आप समझें कि हालांकि वो इतना, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त वो डॉक्यूमेंट था, इतना ज़बरदस्त एक्शन प्लान था कि उसमें ये तमाम जो ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग, उनको कौन कौन लोग फंड कर रहे हैं, उनकी एक्सटर्नल उनके लिंकेजेस क्या हैं, उनका अपना एजेंडा क्या है, रियासत को डिस्टेबलाइज करने में ऐसे ग्रुप का किरदार क्या है, हेट मटेरियल, हेट लिटरेचर, हेट स्पीच, ये तमाम चीज़ें उसमें थी. तो वो तो आप समझे नेशनल एक्शन प्लान तो मुझे लगता है वो दफन हो गया. इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि ये एक तो उसको रिवाइव किया जाए, और ये जारी बात है. अब मुसल्ला फाज, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इनकी ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत के साथ जारी बात है. इस वक्त बड़े अच्छे एक पेज पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं, जो करंट चैलेंजेस हैं, ये अच्छी बात है कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दे आर ऑन द सेम पेज. तो मेरा ख्याल है कि और हमारी अदलिया भी ऑल्सो ऑन द सेम पेज. देखे ना ये तीनों जो रियासत के इदारे हैं, तो मेरा ख्याल है इनको नेशनल एक्शन प्लान को अब रिवाइव करना चाहिए. पीछे मैं सुन रहा था कि शायद नेक्टा के जो चीफ है उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया, तो लिहाजा वो इदारा भी बड़ा लो प्रोफाइल तरीके से जो है वो काम कर रहा है. तो इनको रियासत को ये भी देखना पड़ेगा कि मोहतरम मौलाना समीउल हक साहब का जो कल मर्डर हुआ है उसके एक्सटर्नल लिंकेजेस वो देखने पड़ेंगे, उसकी टाइमिंग के ऐसे वक्त पे हुआ. मैं तो ये समझ रहा था, बिलीव मी, जब वो खबर मैंने सुनी मैंने कहा ये प्री प्लान्ड है कि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में हर जगह एक आर्सन लूटिंग और घराव जलाव हो रहा है, जी हमीद गुल साहब के बेटे भी अटैक हुआ, तो ये शायद एक कोशिश है कि और आग लगाई जाए और फसाद खड़े किए जाए पाकिस्तान में. वो तो शुक्र है कि चले, मैं इतना क्रेडिट देता हूँ पीटीआई के निगोशिएटर्स को, उनकी गवर्नमेंट को, कि उन्होंने कम अज़ कम विद इन 72 आवर इस मामले को जिस तरह वो चाहते थे उसको रिजॉल्व किया, गुड फॉर देम. और मैं अब ये भी बात आपको बता दूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, आपने हल्की बात की, देखें उन लोगों की जो हमने वीडियोज़ देखी हैं
उसमें कुछ लोग ऐसे भी हमने काफी लोग नजर आए जो कि इनके ग्रुप के लोग नजर नहीं आते थे और मेरा लगते थे मैं फिर आपसे पूछूंगी हम कैसे इस बात को मेक श्योर करें या इस बात को अश्योर करें कि वो लोग इस ग्रुप के नहीं है, वो लोग इस कोई बैच पहन के तो नहीं फिर रहा होता ना। पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस का अपरेटस है, जो पूरा निजाम है, मैं समझो बेहतरीन एट ऑल लेवल, यानी कि गांव से लेकर एट दी हाईएस्ट लेवल, आपकी पुलिस की स्पेशल ब्रांच हो गए, आपकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी, आपकी अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनका अब प्रोविंशियल लेवल पे फेडरल लेवल पे देखें, वो उनको आप क्रेडिट देना चाहिए, दे नो एग्जैक्टली कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग बाहर से आए थे, मतलब ये कि ग्रुप के अंदर नहीं थे, कौन लोग फसादी थे और कौन लोग शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे। क्योंकि देखे ना आप जो पीटीए ये पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं सैफर रहमान साहब की तरफ जानना चाह रही हूँ। सैफर रहमान साहब, कुछ स्पीचेस ऐसी हुई नेशनल असेंबली के अंदर जिससे लगा कि इस मामले के ऊपर कम अज कम आकर सारी सियासी जमातें यकजान हैं और पाकिस्तान का ये इमेज नहीं देना चाहती कहीं भी, इवन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी इस तरह से मफलूज नहीं करना चाहती, ये एक अच्छा पैगाम था। लेकिन मैं फिर उस पॉइंट पे जाऊंगी कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बैठकर ही तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तमाम सियासी जमातों ने ही तो हामी भरी थी कि हम इस नेशनल एक्शन प्लान के नफाज को यकीनी बनाएंगे। ये तमाम सियासी जमातों का मिलना भी अब हम क्या फॉर ग्रांटेड लें या हम कहें कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, किस चीज पर अब एक पाकिस्तानी देखें जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अगर आप वोट बैंक देखें तो कम से कम 2.5 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने वोट दिया पार्लियामेंट को, अपोजिशन की और दूसरी सब जमातों को कलेक्टिवली मिला के देखें ना, सिर्फ पीटीआई को ना देखें, पीटीआई, पीएमएलएन, जेयूआई सारी जमातें, तो पार्लियामेंट के पास तो पहले इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर वो काउंटर वे भी करें तो एक प्रेशर ग्रुप जिसके पीछे लाख बंदा भी नहीं होगा और जिसके पीछे 2.5 करोड़ हैं वो उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं। ये बात है कि मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ किए थे, एक रिचर्ड बैरेट आए थे ईयू के, यूरोपियन यूनियन के, वो काउंटर टेररिज्म के एम्बेसडर हैं, पहले वो यूनाइटेड नेशंस के रहे, और एक डॉक्टर एन एली आई थी ऑस्ट्रेलिया से, वो भी काउंटर टेररिज्म पे, तो उनसे मैंने सारी ये बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी कि आपके यहाँ जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप बिल्डअप करें, यानी यहाँ आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। आपके यहाँ सबसे बड़ी वीकनेसेस यही है जो सिज़म्स आपके अंदर डिविजन्स हैं और आपके क्लेवेजेस हैं, सोशल रिलीजियस डिवाइड है, और उसमें हर एक बंदा चैंपियन ऑफ फेथ बना के आई एम गुड यू आर बैड, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये एक बाकायदा एक ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप का एक साइकोलॉजिकल हमारे यहाँ एक सर्कल विशियस बना हुआ है जिसमें हम कहते हैं मैं सही हूँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इबादत करके आते थे, वो सबको कहते थे आप सब गुनाहगार हैं, दूसरों को कंडेम कर देना, उन पर फतवे लगा देना। अभी देखें इसमें भी हमें कुछ दोस्त तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें कोई फतावा भी दिए गए कि जी फलां को कत्ल कर दें फलां ओहदेदार के साथ, और वो फतावा का जी मैं तो उस तरह जाना नहीं चाहती साहब, रहमान साहब सो डिस्टर्बिंग, और लेकिन ये है कि इस हद तक आपको जाने की इजाज़त दी जाए और इस हद तक आपको जुर्रत और जसारत हो, ये वाकई रियासत का फेलियर है। तो इस वक्त हमने रियासत के जो सतून है उनको मिल के बैठ के ये फैसला करना है कि मिनिमम एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रेटर, जिसमें यह है कि इससे नीचे नहीं जाने देनी चीज, इससे आगे नहीं जाने देनी, तो उसमें हमने वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, उस लाइन के ना आर पार नहीं फिर को होगा कोई, ना आर पार नहीं फिर को होगा कोई। ठीक ठीक सही। सैफर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, फारूक हनी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आप दोनों हजरात का शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक आईन को फॉलो करने वाले पाकिस्तानी की हैसियत से ना तो हम जुडिशरी के खिलाफ ना हम अफवाज के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं। ये अगर हम वाकई में आईन के मुताबिक चलने वाले, कानून के मुताबिक चलने वाले पाकिस्तानी हों तो इस तरह की बात है। जो जो हजरत सराइयां वहाँ की गई उसके बाद यकीनन बहुत सारे सवालात उठते हैं, एक आम शहरी सोशल मीडिया पर भी ये सवालात उठा रहा है, हम लोगों ने भी आज कोशिश की कि इसका हल निकाला जाए, और हल सिर्फ और सिर्फ उसी कॉल में है जो कायदे आजम कह गए थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। अगर ये तीन चीजें आपकी कौम से जायल होती रहीं तो फिर हम इसी तरह का इंतशार देखते रहेंगे और हम नेशन यानी कौम नहीं हजूम बने रहेंगे। अब हमें कौम बनने की जरूरत है और कौम बनने के लिए ये चीज जरूरी है कि हम एक दूसरे के जानो माल का अपनी जानो माल से ज्यादा ख्याल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नासिर।